विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे पर 26 जनवरी को भराड़ीसैंण में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास रतूड़ी और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। अपने 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे के दौरान श्रीनगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कमलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद GM VN गेस्ट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वे आगामी 26 जनवरी को भराड़ीसैंण में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को भराड़ीसैंण में गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि वह इस बार अपने वाहन से गैरसैंण का सफर करेंगे। इस बीच रास्ते में रुक रुक कर जनता से संवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस दौरे का एक कारण बजट सत्र भी है। वे बजट सत्र की तैयारियों को लेकर गैरसैंण का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चारधाम परियोजना से पहाड़ में सड़कें बेहतर हुई हैं, लोगों को सड़क मार्ग पर सहूलियत मिल रही है, इससे यात्रा काल में भी लोगों को आराम मिलेगा। TNN के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। और बीच बीच में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिलना और जो भी मेरे बीच में समस्या आ रही थी उसको भी मैं अपनी तरफ से देखा, और इसके साथ साथ जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो हमारा गैरसैंण में जो हमें होने वाला बजट सत्र है। और बजट सत्र किसी भी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, और आपको जानकारी होगी इससे पहले भी पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार बजट सत्र मेरी कार्यकाल में भराड़ीसैंण में हुआ था। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार का बजट सत्र भी वहां पे होगा। तो मैं उसकी तैयारी के लिए जा रहा हूं निरीक्षण करने के लिए, साथ में चूंकि गणतंत्र दिवस भी है 26 तारीख को जिसे हम बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसके लिए भी जो हमारा मुख्य कार्यक्रम वहां पे होना है उसमें मैं शिरकत करूंगा। ऐसा मेरा इस 4 दिन के कार्यक्रम।